हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर सांस फूलने के क्या क्या कारण होते हैं। मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे कि सांस फूलना, सांस चढ़ना एक आम समस्या होती है, लेकिन काफ़ी सारी लेडीज़ है जो कि इस समस्या से घबरा जाती है कि कहीं उन्हें जैसे कि सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन यह प्रेगनेंसी के टाइम में जैसे और समस्याएं होती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पेन रहना और जैसे थोड़े बहुत चक्कर आना, वोमिटिंग आना, इसी तरह ही सांस फूलना भी एक आम समस्या होती है। मोस्टली 80% जो लेडीज़ होती है उनको यह प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पर आती है। सामान्य जैसे हम नॉर्मल दिनों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर मोस्टली सभी लेडीज़ को यह दिक्कत है जो कि वो आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो सांस फूलना होता है इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से हमें सांस फूलता है। तो चलिए अब हम उन कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेज हैं जो वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज है जो कि वो आ जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है वो इनबैलेंस हो जाता है और जो हमारा शरीर होता है उसको उस चीज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और उस टाइम पर हमें है जैसे कि सांस फूलने की समस्या होती है। और नेक्स्ट कारण होता है जैसे ही जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो उसी प्रकार हमारे जो यूट्रस का आकार होता है वो भी बढ़ता चला जाता है और हमारे जो यूट्रस की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें खिंचाव आता है और वो आगे की ओर बढ़ती हैं। जो हमारे यूट्रस की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं और जिससे हमारे फेफड़े होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस कारण भी हमें थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद नेक्स्ट कारण होता है जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में है जो कि वो दिक्कत आती है और हम जब सांस लेते हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर से सांस है जो कि वो लेना पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट कारण होता है जैसे कि हमारे शरीर में एक और नन्ही सी जान पल रही होती है तो उसको भी खून की और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए जैसे कि जो माँ होती है उसके शरीर से ही खून और जो ऑक्सीजन होती है वो बेबी तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और खून को है जो कि अधिक जैसे कि प्रेशर से पंप करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमें थकान भी होती है, साथ साथ हमें सांस फूलना या सांस चढ़ने जैसी समस्या भी होती है। और नेक्स्ट एक और कारण होता है हमें सांस चढ़ने का, वो है एनीमिया की समस्या, यानी कि हमारे शरीर में आयरन या खून की कमी होना। क्योंकि खून में हमारे जैसे कि जो रेड ब्लड सेल होती है वो हमारे शरीर में जैसे कि जो फेफड़ों से ऑक्सीजन होती है वो हमारी प्रॉपर पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। अगर आपके शरीर में इस चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारे फेफड़ों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सांस फूलने की समस्या होती है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए जैसे कि जो सांस फूलने की समस्या है इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इसके उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।